हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़ायदेमंद वीडियोस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक करप्ट यूएसबी फ्लैश ड्राइव कैसे रिपेयर करें। जब हम यूएसबी लगाए तो हमको एरर आएगा कि फॉर्मेट प्रो, जब हम फॉर्मेट करने से हमको विंडोज इज अनेबल टू कंप्लीट द फॉर्मेट, ये एरर आएगा हमको। हम इसको कैसे फिक्स करें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। विंडोज कांट फॉर्मेट बोल के रहा था, हम आप देख सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, जीरो बाइट्स बोल के दिखा रहा है। हम इसको कैसे करें, फर्स्ट सबसे पहले सर्च में जाके cmd टाइप करें, कमांड प्रॉम्प्ट उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करना है cmd। यहाँ पे cmd ओपन हो चुका है, यहाँ पे हम डिस्क पार्ट DISKPART डिस्क पार्ट खोल के एंटर करना है। ये डिस्क पार्ट पूरा एक ही वन वर्ड सिंगल वर्ड है, कंबाइन करके मानना है। यहाँ पे डिस्क पार्ट में एंटर हो गया है। अब यहाँ पे डिस्ट स्पेस डिस्क बोल के टाइप करके एंटर मारना है। यहाँ पे आपको दो ड्राइव दिखाई देंगे, एक है हार्ड ड्राइव और एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जो मेरी 31 GB 32 GB की है वो यहाँ पे दिखा रहा है। डिस्क वन यूएसबी फ्लैश ड्राइव है और डिस्क ज़ीरो हार्ड ड्राइव है। अब हम यहाँ पे डिस्क वन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट CLDCT सेलेक्ट DISK डिस्क वन, यहाँ पे DISK डिस्क वन ओके टाइप करके एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे डिस्क वन इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। अभी हम इसके बाद उसको क्लीन करेंगे, डिस्क वन यूएसबी फ्लैश ड्राइव को क्लीन करेंगे, क्लीन CLEAN क्लीन मार के टाइप करके एंटर करेंगे। यहाँ पे डिस्क पार्ट सक्सेडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, यहाँ पे डिस्क पार्ट क्लीन हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्लीन हो गया। अभी हम पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन डिस्क क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट CREATE क्रिएट पार्टीशन PARTITION पार्टीशन प्राइमरी PRIMARY क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी टाइप करके उसको पार्ट प्राइमरी कर लेंगे। एंटर मारने से यहाँ पे डिस्क पार्ट सक्सेडेड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। उसके बाद हम एक्टिव कर लेंगे उस यूएसबी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क पार्ट मार्क्ड द करंट पार्टीशन एज एक्टिव। अभी डिस्क पार्ट वो जो यूएसबी फ्लैश है उसे एक्टिव कर लिया है, जो करंट पार्टीशन है वो यूएसबी है। अभी हम सेलेक्ट पार्टीशन वन बोल के टाइप करेंगे, यहाँ पे एंटर मार लेते हैं। यहाँ पे पार्टीशन वन नाउ इज नाउ द सेलेक्टेड पार्टीशन। अभी हम उसको फॉर्मेट करेंगे यूएसबी को, फॉर्मेट FORMAT फॉर्मेट FS इज इक्वल्स टू FAT32। यहाँ पे मैक्सिमम पूरे FAT32 ही रहेंगे यूएसबी फ्लैश ड्राइव मोस्टली, इसलिए हम फॉर्मेट FS इज इक्वल टू FAT32 देने से यहाँ पे फॉर्मेट शुरू हो जाए। आप यहाँ पे 0% कंप्लीट कर देते आ गया है। अब ये 0 से ये बहुत टाइम लेगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 100% होने से वो USB फॉर्मेट हो जाएगा और आप USB यूज़ कर ले सकते हैं। करप्ट रिपेयर USB वो अच्छा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, आप यूज़ कर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।